हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेसिफाई चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के आत्मसमर्पण के बाद कोरिया दो देश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बट गया। लेकिन आज के वक्त में देखा जाए तो दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां नॉर्थ कोरिया अपने तानाशाह किम जोंग उन के अपने अजीबोगरीब नियम, मिलिट्री ताकत और बेहद सख्त कानून के लिए प्रसिद्ध है, वही साउथ कोरिया अपनी मशहूर कंपनीज और तेजी से बढ़ती अपनी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लोग कैसे रहते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी कंट्री है ज्यादा सफल और ज्यादा बेहतर। नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है, और यहाँ की सरकार इस बात का खास ध्यान रखती है कि वहाँ रहने वाले लोग देश छोड़कर ना जा पाए। सिर्फ ओलंपिक्स या फिर किसी खास कारण से ही वहाँ पे लोग देश छोड़ के बाहर जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं तो नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को अपने देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एक स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे भी सिर्फ एयर चाइना और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की फ्लाइट्स चलती है। साथ ही नॉर्थ कोरिया में हर साल भर में केवल 5 से 10 हजार के करीब टूरिस्ट आते हैं, जिस वजह से यहाँ के एयरपोर्ट्स ज्यादातर खाली ही रहते हैं। वही दूसरी तरफ साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे लोगों को देश भर में और दूसरे देशों में घूमने की पूरी आज़ादी है, और उन्हें ज़्यादातर स्पेशल परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ यही नहीं तो साउथ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है, जिस वजह से साउथ कोरिया के लोगों को 170 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री और वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इसके अलावा साउथ कोरिया में हर साल 5 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और उनकी राजधानी सियोल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। अगर दोनों देशों की करेंसी की बात की जाए तो दोनों देशों में वोन नाम की करेंसी इस्तेमाल में ली जाती है, जहां नॉर्थ कोरिया के 1 KPW यानी कोरियन पीपल्स वोन की वैल्यू $1 के करीब है, वही साउथ कोरिया का 1 KRW यानी कि कोरियन रिपब्लिक वोन की वैल्यू 0.007 है। लेकिन फिर भी इन दोनों देशों में साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के मुकाबले ज़्यादा अमीर है और एक बेटर लाइफ जीते हैं। एक मजेदार बात यह है कि नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी कि वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वही साउथ कोरिया में एक जमाने में डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, और बाद में उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया था। जहां साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी पूरी तरह से फेयर है, वही नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का डर इतना ज्यादा है कि कुछ पार्टीज उनके विरोध में खड़ी तो होती है, लेकिन वो भी खुद को वोट नहीं कर पाती, जिस वजह से पिछले 50 सालों से किम जोंग उन की वर्कर्स पार्टी लगातार हर इलेक्शन 100% वोट के साथ जीती आई है। जीडीपी की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की नॉमिनल जीडीपी $50 बिलियन के आसपास है, और जीडीपी के मामले में यह देश 117वें नंबर पर है। वही साउथ कोरिया की नॉमिनल जीडीपी $1.7 ट्रिलियन है, और जीडीपी के मामले में यह देश आज 13वें नंबर पर है। अगर एरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया 1,22,762 स्क्वायर किलोमीटर और साउथ कोरिया 1,410 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पॉपुलेशन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की जनसंख्या 2.6 करोड़ के आसपास है, वही साउथ कोरिया की जनसंख्या 5.2 करोड़ के आसपास है, और दोनों ही देशों में कोरियन बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। दोनों ही देशों में स्पोर्ट्स का कल्चर काफी अच्छा है। नॉर्थ कोरिया में फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेल काफी पॉपुलर है। ओलंपिक्स में भी यह दोनों देश हर बार हिस्सा लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास अब तक 57 मेडल्स हैं, जिनमें से 16 गोल्ड्स, 17 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। वही दूसरी ओर साउथ कोरिया ने ओलंपिक्स में अब तक 366 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 129 गोल्ड एंड 116 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं।
अगर नॉर्थ कोरिया की एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 16 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई मैंडेटरी है, लेकिन वहाँ के स्कूल सिलेबस में ज्यादातर किम फैमिली के महानता के किस्से पढ़ाए जाते हैं, और स्कूल खत्म होने के तुरंत बाद बच्चों को अगले 10 साल तक मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी पड़ती है। वही साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम नॉर्थ कोरिया के मुकाबले काफी काबिले तारीफ है, लेकिन साउथ कोरिया में कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया देश में सभी जमीन सरकार की होती है, जिस वजह से यहाँ पे कौन सा परिवार कहाँ रहेगा इसका फैसला सरकार ही करती है और सरकार ही उन्हें घर अलॉट करती है। यही वजह है कि जो लोग यहाँ पे सरकार से करीबी है उन्हें नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में महंगे घर दिए जाते हैं, जबकि बाकी सारी पॉपुलेशन छोटे और सिटी से काफी दूर मकानों में रहती है। नॉर्थ कोरिया में दिखावे के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन अगर कभी आपने वहाँ के सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो आपको जेल भी हो सकती है। यही वजह है कि वहाँ की मीडिया पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, और वो भी सारा दिन नॉर्थ कोरिया के लीडर की तारीफ करने में लीन रहते हैं। आपको जानकर अजीब लगेगा कि नॉर्थ कोरिया में एक भी प्राइवेट टीवी चैनल नहीं है। यहाँ पे म्यूजिक सुनना या फिर साउथ कोरिया में प्रोड्यूस हुआ कोई भी शो देखना इलीगल है। वही दूसरी ओर साउथ कोरिया में ना सिर्फ प्राइवेट टीवी चैनल्स है, बल्कि साउथ कोरिया में प्रोड्यूस किए हुए टीवी सीरीज और एनिमे सीरीज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा साउथ कोरिया का के पॉप म्यूजिक भी धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रहा है। साउथ कोरिया की सिनेमा इंडस्ट्री को दुनिया के बेहतरीन सिनेमा इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है, और 2020 में आई साउथ कोरिया की मूवी पैरासाइट ने ऑस्कर जीतकर एक नया इतिहास भी रच दिया था। आगे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक एवरेज लिया जाए तो 1000 लोगों में से सिर्फ 11 के पास ही कार है, और ये कार ओनर भी वो लोग है जो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, क्योंकि बाकी के लोग तो यहाँ पे कार अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यही एक वजह है कि नॉर्थ कोरिया की सड़कें हमेशा खाली नजर आती है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसे भी यहाँ की सरकार कंट्रोल करती है। वही दूसरी ओर हम साउथ कोरिया की एवरेज देखें तो यहाँ पर 1000 में से 475 लोगों के पास खुद की कार है, और साथ में यहाँ से निकली किया और ह्युंडई जैसी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ नॉर्थ कोरिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, वही साउथ कोरिया से निकली सैमसंग जैसी कंपनीज आज दुनिया भर में राज करती है। अगर मिलिट्री की बात करें तो साउथ कोरिया अपने पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया के खुफिया इरादों से चलते साउथ कोरिया को हमेशा एक जंग के लिए तैयार रहना पड़ता है। आज साउथ कोरिया 0.1505 पावर इंडेक्स के साथ दुनिया की छठी सबसे पावरफुल कंट्री है। वही इस लिस्ट में नॉर्थ कोरिया 0.5118 पावर इंडेक्स के साथ 34वें नंबर पर है। मिलिट्री बजट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का रक्षा बजट $13 बिलियन है, जबकि साउथ कोरिया का $40.8 बिलियन है। तो दोस्तों, आपको कौन सी कंट्री सबसे अच्छी लगी, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई कंपैरिजन वीडियो के साथ। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।